हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों के बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ मौजूद है दो भर्तियों के अभ्यर्थी, एक प्रयोगशाला सहित 2018 भर्ती के अभ्यर्थी है जिनका डेढ़ गुना रिजल्ट आ चुका है, फाइनल परिणाम जारी होना है, और मेरे पास मुकेश बेनीवाल है जो सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 के अभ्यर्थी है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018। दोस्तों कुछ दिन पहले हम बीएल जाटाव जी से मिलकर आए थे, तो बीएल जाटाव जी जो अध्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन साहब है, उन्होंने कहा था कि 7-8 दिन के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन 10 दिन से ज्यादा बीत चुके अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ, और उसको लेकर काफी लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि उपेन यादव जी ने कहा था कि 6-7 या 7-8 दिन परिणाम जारी हो जाएगा लेकिन जारी क्यों नहीं हुआ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आप लोगों को जो मैंने बताया वो चेयरमैन साहब से बात करके बताया, और आज उसकी पूरी पूरी टिप्पणी ये अभ्यर्थी है इनके सामने पूरी स्पष्टीकरण या बेल जाटाव जी से इनके सामने मैंने बात की है, जो उसका निचोड़ निकल चुका है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 9 मई 2018 को प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 1202 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, 3 फरवरी को इसका एग्जाम हुआ था, और 22 जुलाई को इसका डेढ़ गुना जो रिजल्ट जारी हुआ था, और रिजल्ट जारी होने के बाद अभी तक जो फाइनल जो रिजल्ट आना है, क्योंकि 5 अगस्त से 16 अगस्त तक इसके दस्तावेज सत्यापन हुए थे, लेकिन अभी तक फाइनल परिणाम नहीं आया। बीएल जाटाव जी से मिले तो उन्होंने कहा कि 7-8 दिन में आ जाएगा, लेकिन अब कुछ अभ्यर्थी पहले जाके आए हैं दिनेश बोर्ड, तो उन्होंने कहा कि समय लगेगा, महीने में से ज्यादा समय होता है। तो आज इन्हीं अभ्यर्थियों के सामने मैंने बीएल जाटाव जी से बात की, उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और वुमन सुपरवाइजर तीनों भर्तियों को लेकर कोर्ट में एक मामला है, कोर्ट में कोर्ट की वजह से उन्होंने कोर्ट का कारण बताया। अब क्या कारण है वो मैं ऐसा ही शाम तक एक बार पुनः पता करने की कोशिश करूंगा कि कोर्ट में किस कारण से मामला वापस जा अटका है, लेकिन उन्होंने कोर्ट का हवाला देते कहा कि हमें परिणाम हम जारी करने वाले थे लेकिन कोर्ट की समस्या आ गई है तीनों भर्तियों में, इसलिए तीनों भर्तियों में समय लगेगा। ये बीएल जाटाव जिनका ये अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक के वो अभ्यर्थी है, इन्हीं के सामने बात हुई थी, और इन लोगों ने जो बीएल जाटाव जी ने कहा वो ये अभ्यर्थी मौजूद थे, क्योंकि दोस्तों जो बात होती है वो स्पष्ट होती है, मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है, मेरा शौक यही है कि किसी ने जो बेरोजगार पीड़ित है दुखी है उनको न्याय मिले, उन लोगों के आशाओं पे मैं खरा उतरूं। आज ये लोग मेरे पास ये बेरोजगार संघ कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब 7-8 दिन के लिए आपने कहा था, अभी तक परिणाम नहीं आया। उसके बाद मेरे बीएल जाटाव जी से इनके सामने ही बात की तो उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया कि तीनों भर्तियों में कोर्ट का कारण है, इस वजह से परिणाम आने में देरी होगी। मेरे साथ ये मौजूद आपके सामने बात हुई, क्या बात हुई आप बताओ, आप प्रयोगशाला सहायक के अभ्यर्थी हो, आपको सच्चाई, क्योंकि काफी लोग झूठे वीडियो डाल नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान में दोस्तों एक चीज और बता दूं, राजस्थान में काफी लोग भर्तियों को लेकर, एडवोकेट को लेकर, कोर्ट को लेकर बेरोजगारों को ठगने के लिए काफी लोग सक्रिय हो गए हैं। मैं सभी बेरोजगारों से निवेदन करूंगा किसी के झांसे में नहीं आए, जो भी बात करनी है जो भी काम करना है खुद आगे जाकर खुद करें, किसी के भरोसे में न रहे, क्योंकि वो लोग आपको गुमराह करेंगे, हम करवा देंगे, हम ये कर देंगे, जबकि सच्चाई यही है कि वो अंदर जाने के बाद किसी पीड़ित अभ्यर्थी को भी साथ नहीं ले जाते, अंदर खुद जाते हैं, आके कहते हैं हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ भी नहीं, या किसी हमारी जो टीम होती है हमारी टीम के साथ फोटो खींच के वीडियो बना के डाल देते हैं कि हमने ये किया, वो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ के पांव नहीं होते, सच्चाई सबके सामने होती है, मैं खुले में बोलता हूं, लेकिन वो पीछे से लोगों को पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई कभी चुपती नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति सफल कम होते हैं। लेकिन जो आज इन अभ्यर्थियों के सामने बात की थी, क्या बात कही आप जान लीजिए, बीएल जाटाव जी क्या कहा बता सकते हो? सर आपने बोला था कि हमने 7-8 दिन के लिए बोला था इधर, लेकिन महीने भर से ज्यादा के लिए बोला है दोबारा, तो फिर जो आपने पूछा भाई क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, तो फिर उन्होंने बोला कि आज इस आ गया तीनों भर्ती में, तीनों भर्ती में। लेकिन आपका क्या नाम है? जी सर विनू, क्या नाम है जोर से बोले, विनू अवस्थी। विनू अवस्थी क्या अब, हालांकि आपकी समस्या है अभी पता करेंगे कि किस कारण से हुआ, लेकिन जल्दी ही दोस्तों एक चीज बता दूं, जो तमाम आरपीएससी की भर्तियां हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां हो, चाहे बाहरी राज्य का जो कोटा वाला सबसे बड़ा मामला है उसको लेकर हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मैंने लेटर भी अभी लिखा है पुलिस उपायुक्त दक्षिण को कि हम 1 अक्टूबर को जयपुर में बड़ी संख्या में एक बार इकट्ठे होकर सरकार को एक बार फिर
याद दिलाएंगे कि हम लोग कितने परेशान हैं, हमने समर्थन दिया था, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अन्य मांगों को लेकर आप कमेटियां बना देते हो, अन्य मांगों को लेकर आप एक्टिव होकर उनका काम करते हैं, लेकिन आखिरकार हम लोग जाए तो कहां जाए, हमारी अनदेखी, बेरोजगारों की अनदेखी क्यों की जा रही है। तो 1 अक्टूबर को जयपुर में जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, वो तमाम पीड़ित बेरोजगार एक बार फिर से जयपुर में बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे, अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे। मेरे साथ मुकेश बेनीवाल जी हैं, ये सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 के अभ्यर्थी हैं। आज ये भी पूछे थे, इनके सामने ही अधिकारियों से मेरी बात हुई शिक्षा विभाग में, और जो इनके फाइल पहले वित्त विभाग में गई हुई थी, हालांकि एक चीज बता दूं, लगातार मेहनत ये कर रहे हैं, फाइल वित्त विभाग से वापस शिक्षा विभाग में, और शिक्षा विभाग से वापस जॉइंट एलआर साहब के पास गया। उन्होंने पूछा है, वित्त विभाग ने एक ही टिप्पणी मांगी की थी, और पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है या हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, क्या उसमें अपील या नो अपील, सरकार अपील में जाएगी या नो अपील में जाएगी, एक विभागीय उसमें निर्णय लेना है, वो निर्णय होने के बाद इनकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ये फाइल अभी लीगल ओपिनियन के लिए आई है, जल्दी वहां से निस्तारण होगा। मैं मुकेश जी के साथ जाकर पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो फाइल निकले, आपकी प्रक्रिया शुरू हो, जो 2013 से आप 2019 से 6 साल से जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, आपको राहत मिले, आपके चेहरे पे खुशी है। पूरा सहयोग हर बेरोजगार के साथ मेरा रहेगा। अब 1 अक्टूबर को हम लोग पूरे प्रदेश के तमाम बेरोजगार, जो सभी पीड़ित है, चाहे तमाम इश्यू है, चाहे बाहरी राज्यों का कोटा हो, चाहे आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती हो, चाहे पंचायत एलडीसी की भर्ती हो, चाहे राजस्थान पुलिस नई भर्ती हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, चाहे नई शिक्षा नीति हो, नया पैटर्न हो, तो इन सबको लेकर हम लोग 1 अक्टूबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर इकट्ठे होंगे। परमिशन के लिए मैं आज एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, शांतिपूर्वक सरकार के सामने बड़े दमदारी के साथ बड़ी तादाद में हम बात रखेंगे और हमारी मांगों को मनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।